नहीं, निका क्या लगना हुँ? प्रणाम, अपने राघव जीजू को तंग मत करना। तुम लोगों ने मेरे बच्चे को बहुत तंग किया, अब भी तंग किया ना तो देख लेना तुम लोगों की शामत आ जाएगी। तो क्या आप जीजू को कुछ नहीं कहेंगे? अरे इस बच्चे से क्या कहूँ, कितना सीधा तो बच्चा है ये। अच्छा चाचा, तो हम शैतान की मौसी है? नहीं मेरे बच्चे, तुम सब तो मेरी आंख का नूर हो। तुम मैं तुम सब लोगों को बहुत याद करूं, तुम लोग बहुत याद आओगे मेरे बच्चों, बहुत याद आओगे तुम लोग। हमें भी आपकी बहुत याद आएगी खान चाचा। आपके और मिस्टर चिंटू के बिना तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आपको रोज कॉल करेंगे खान चाचा। मैं भी आऊंगा वहां आपसे मिलने, लेकिन इतने बड़े घर में जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना आप चिंटू? कोई बहन अपने भाई को भूल सकती? कभी नहीं। मिस्टर चिंटू के बच्चे। सोनिया बेटा, मैं ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ करूं कि तुम्हारी और राघव की ये नई जिंदगी की शुरुआत प्यार और खुशहाली भरी हो। खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो। खुदा तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना रखे। अच्छा बच्चों, अब हमें चलना चाहिए। दादू आप इन सबको लेकर चलिए, हम लोग आते। ठीक है बेटा। हाँ मैडम। चिंटू बेटा, राघव जी आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? यस, चलिए। आंखें बंद रखिएगा। खोले। आज आप ससुराल अपनी इस फेवरेट सवारी पर ही जाइए। भाई मैं भी तो दहेज में अपने ससुराल से कुछ लेकर जाऊं। चलिए हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। आपकी सासू माँ आपका वेट कर रही है। मैं पता है शेखर, आज हमारे छोटे बेटे की शादी हुई, हमारे राघव की। नसीब भी कितना अजीब होता है, अपने साथ साथ वक्त का चेहरा भी बदल देता है। काश की चीजें वैसी होती। तुम भी आज हमारे साथ
राघव की शादी में खुशियां मना रहे होते, उसे आशीर्वाद दे रहे होते। जरूर दे रहे होंगे। चले आपके लिए एक और सरप्राइज है। ये मैंने मेरी पहली कमाई से खरीदी, जो मैंने खान चाचा के यहां काम करके कमाई। आपने मेरी जिंदगी को सबसे खूबसूरत पल दिया। तो ये आपके लिए। समझी सोनिया जी? जी समझ गई। मैं सोच रही थी अब आप मुझे ना सोनिया जी कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब मुझे हमारे भी जी पसंद नहीं। ओके ठीक है, तो आप भी मुझे आज से राघव कहेंगे, आपका राघव। सोचेंगे इस बारे में। चले इससे पहले मैं आपके साथ चलना कैंसिल करूं। ओके। ये लीजिए। वैसे आप चाहें तो मुझे हग कर सकती, क्योंकि अब आप ऑफिशियली मिसेस राघव रॉय बन चुके हैं। अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। सोचेंगे इस बारे में। चले ओके। बिरजू, रमेश। जी मैडम। राघव का रूम तैयार हो गया? जी मैडम, सारी तैयारियां हो चुकी है। अपने कहा ने कहा था गेट पर गृह प्रवेश की सारी तैयारी करने के लिए। ये हो गई। और रंगोली हो गए? दिए लगा दिए तुमने रंगोली में? ओके दैट्स ग्रेट। समझ में नहीं आ रहा इतना समय क्यों लगा है, कब से निकल गए ये लोग। तो पूजा की थाली, जल्दी जाओ क्विक। ये रही रेडी है पूजा की थाली, देखिए मैंने अपने हाथों से बनाई, ठीक है ना सब कुछ? हाँ ठीक तो है, लेकिन लगता है वो लोग आ गए। अब तुम्हारी बहू आ गई, उसका स्वागत करो। Thank you.
ये सोनिया की बहने इतना सामान लेकर क्यों आई? लगेज? इसका मतलब ये लोग भी सोनिया के साथ रॉय मैंशन में रहने की तैयारी से आई है? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं। सोनिया अपने साथ अपनी बहनों को जो दहेज में लेकर आई है। क्या हुआ बहू, कहाँ खो गए? आरती करती रहोगी या बहू का स्वागत करोगी? आ, उधर थोड़ा सा एकदम पास। अब क्या भाभी को सोनिया ही खटक रही थी, अब तो सोनिया की पांच बहनें भी आ गई है भाभी के सीने पर मूंग दलने के लिए। अब हमारे दुबई में ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इसमें पैर रखो और आगे। देखे तो कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। अंजलि तेरी तो निकल पड़ी। इतने सारे खाली दीवार,
बोल रही है। अरे दीपू देखो ना, इतने सारे खाली दीवारें। मुझे तो ड्राइंग बोर्ड मिल गई। रूटि खबरदार, थप्पड़ पड़ेगा यहाँ एक भी ड्राइंग की तो। एक बात भी नहीं होना चाहिए, समझ गई? सुन, आज सोनिया दी के साथ साथ हमारी भी एक नई शुरुआत है। और इसीलिए आज से तू मुझे दीपू दीदी बोलेगी, ओके? समझ गई दीपू। अरे तुम लोग खड़े क्यों, बैठो ना। जल्दी बैठो ना। अब मेरी एक बात सुनो। जैसे कि तुम जानते हो कि ये घर सोनिया का ससुराल है, वैसे ही ये घर तुम्हारा अपना भी है और हम सब तुम्हारे अपने। और इस घर की हर चीज तुम्हारी अपनी है, जब भी जो चाहे बिना झिझक के ले लेना। टेक्निकली हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, लेकिन सोचा नहीं था यहाँ रहने का मौका भी मिलेगा। आपका घर बहुत सुंदर है। आपका नहीं, हमारा। तुम लोगों के आने से हमारा घर और भी सुंदर हो गया। वैसे यहाँ पे कितने कमरे हैं? आप रमेश, बिरजू, इन लोगों को अच्छी तरह पहचान लो। आज से तुम्हें इनका सारा काम करना है। और ध्यान रहे, बड़े शरारती हैं, बच के रहना। इनका सामान लेकर जाओ और तुम लोग भी थक गए होंगे ना, जाकर आराम करो। दादू, दादी, बुआ, आप सब लोग भी आराम कीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है बच्चू, सोनिया से अकेले में मिलने के लिए अभी थोड़ी सी तपस्या और बाकी है। शादी के बाद की रस्में अभी भी बाकी हैं। अभी भी रस्में बाकी हैं? हाँ। दादू, बहू, हम सारी तैयारियां करवा देते। सारी तैयारियां हो चुकी हैं कि नहीं? हम अभी आते हैं। राघव, जरा अंदर आना, कुछ बात करनी है तुमसे। आप जी मां। ये मम्मी जी ने राघव जी को इस तरह अंदर क्यों बुलाया? अभिमान, तुम बीच शादी में से बाहर कैसे चले गए? कहाँ चले गए तुम? I'm extremely sorry ma'am. कुछ important काम आ गया था, इसलिए मुझे वहाँ से अचानक निकलना पड़ा। I'm really sorry. मैं आपको बिना बताए वहाँ से चला है। Anyway, अब तुम प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। क्या हुआ? अब बहुत परेशान लग रही, सब ठीक तो है? Don't ask. लेकिन इतना पता है हमें कि बस इस वक्त हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है बेटा। प्लीज घर जल्दी आ जाओ। ठीक है मैम, मैं बस 10 मिनट में पहुंचा। राघव के पास तो जैसे सोनिया और उसकी बहनों के अलावा और कोई काम ही नहीं। इन लड़कियों के यहाँ रहते पता नहीं क्या फ्यूचर होगा हमारे बेटे का। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आइए ना बाहर, सब रस्मों की तैयारी चल रही है। रस्में होती रहेंगी राघव, पहले हमें ये बताओ कि ये लड़कियाँ यहाँ क्या कर रही हैं? देखो, हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था, सोनिया को हम इस घर की बहू बनाने को तैयार हो गए, लेकिन उसकी बहनों को हमसे दूर रखो। कहा था या नहीं कहा था कि तुम तो उन्हें उठाकर यहाँ ले आए? मॉम, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मैं तो देखो राघव, हर इंसान के सब्र की एक सीमा होती है और उस सीमा को नहीं लांघना चाहिए। सिर्फ तुम्हारी खुशी के खातिर एक मिडिल क्लास लड़की को रॉय खानदान की बहू बनाने के लिए तैयार हो गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी बहनों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने एक बार भी हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? मॉम, मैंने पूछा तो था आपसे। कब पूछा था? मॉम, आप ही ने तो कहा था कि ये मेरा फर्ज है और आप मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोकेंगी। राघव, जिम्मेदारियां निभाने के मतलब से हमने ये समझा कि शायद तुम उसकी बहनों की फाइनेंशियल हेल्प कर दो,
या फिर अच्छे लड़के ढूंढकर उनकी शादियां करा दो। जिम्मेदारी उठाने का मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें उठाकर इस घर में ले। हमारी इतनी सारी कंपनियां, 500 से ऊपर एम्प्लॉइज, सबकी जिम्मेदारी उठाते हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि उन सबको उठाकर हम घर ले आए। और तुम प्यार में इतने अंधे हो गए हो, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अगर वो सारी बहनें सोनिया के इर्द गिर्द 24 घंटे रहेगी तो सोनिया का ध्यान हमेशा अपनी बहनों पर लगाओ। इस घर पर, इस परिवार पर उसका ध्यान कब आए? हमसे कब जुड़ेगी? मॉम, सोनिया जी ने बचपन से लेकर आज तक अपनी पांचों बहनों को पाला है। उन्हें परिवार और रिश्तों की समझ है और मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। मैंने केवल सोनिया जी से रिश्ता नहीं जोड़ा, मैंने उनकी पांच बहनों से भी रिश्ता जोड़ा जो कि मैं नहीं तोड़ सकता। सोनिया जी ने मां बनकर पाला है और मैं उन्हें दूर नहीं कर सकता। और वैसे भी मैंने वादा किया है सोनिया जी से, शादी के बाद हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे और मैं ये वादा नहीं तोड़ सकता हूँ। लेकिन हर बात के लिए अपनी माँ का दिल जरूर तोड़ सकते हो तुम। वेरी गुड। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे इस फैसले में हम तुम्हारा साथ देंगे? क्योंकि मेरी मॉम का दिल इस घर से बहुत बड़ा है।